मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई एम डूइंग स्टुपेंडो फैंटास्टिकली अमेजिंग। मॉर्निंग भी हो गई है और हमने मतलब नाश्ते की भी तैयारी भी कर ली है। अभी आज बहुत भूख लगी है तो पहले खा लेंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा फरिया वो सुबह सुबह मैंने और भाभी ने जब मतलब अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, जहाँ जब थोड़ी सी भी धूप नहीं थी, तब हमने ये सब क्लीन कर लिया। तो कैसा ऐसा चमक रहा है ना सब, है ना? ऐसे पूरा पीछे वगैरह वो सब भी हमने क्लियर कर लिया है, क्लीन कर लिया। तो आज थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई हम लोग को। ऐसा लगा कि हम लोग ऐसे वाड़ियों में जाके रह रहे, वाड़ियों मतलब ऐसे गाँव में, मतलब जो खेत फार्म हाउस होते हैं वो वाली गुजराती वाली वाड़ी, ये अरबिक वाली वादी वाले नहीं कि वादियों में जाके रह नहीं रहे, तो वो विलेज लाइफ का ऐसा फील आया आज। तो भूख भी जबरदस्त लग गई है, तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं दोस्तों। नाश्ता जबरदस्त हो गया है, फुल पेट भर के खाया हमने, तो इसलिए उसको पचावने के लिए अभी हम पोछा लगा रहे हैं। मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे ऐसे करके नखरे करके, और भाभी ना इधर किसी की घिसाई पिटाई कर रही है, तो वो दिखाती हूँ आपको। अरे अरे अरे, इस तरीके से बेन को पकड़ के, तो यहाँ पे ऐसे करके फिर अरे 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 ऐसे उठा के फाड़। फिर वो इंडिया में धोखा आता है ना, वो ऐसे कपड़े को मारते हैं फाड़ करके, तो वैसे मैं जैसे वो लकड़ी उठाती, फिर यहाँ पे ऐसे करके फाड़ देती। दोस्तों अभी आपने जो देखा उसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए, अगर देख भी लिया है तो उसको ऐसे ये कान से सुन के इस कान से बाहर निकाल के अनसुना कर दीजिए, क्योंकि ये क्या था दोस्तों, ये क्या था, मजाक। तो एनीवे यहाँ पे कपड़ा की धुलाई हो रही है और मम्मी है वो रेडी हो रही है रेस्टोरेंट जाने के लिए। हाय हाय, क्या चल रहा? बस रेडी हो गया है, अभी जाने का चल रहा। अच्छा ओके, अभी रेस्टोरेंट जाओगे तो फिर वापस कब आओगे मम्मा? थोड़ी देर में आ जाऊंगी चक्कर लगा। मम्मा तुम्हारे वगैरह मैं शू कर सू, एंजॉय। बिल्कुल सच बात बोल रही है, हम तो मौज मस्ती करने वाले हैं। कुछ देर में कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे साथ में। कैंप जो मित्र, हम लोग फिर जा रहे हैं आज ब्यूटीफुल कैंपिंग के लिए, और फिलहाल तो आप ये देखिए, इधर से कुछ भी दिख रहा हो तो इसके जूते एकदम चमक रहे, और ये इसने अभी से डांस वांस शुरू कर दिया है, ओवर एक्साइटेड। हमारे पास बहन भी है, बहन ने ऐसे चमकीले जूते नहीं पहने हैं, नॉर्मल जूते पहने, डाउन टू अर्थ यू नो। और हमारे माता पिता यहाँ बैठे हैं हमको बाई बोलने के लिए, वो नहीं आ रहे हमारे साथ में क्योंकि बहन का ग्रुप है, तो अभी वो मेरा और उन्नी का भी ग्रुप बन गया है। मेरे से ज्यादा इन दोनों का ग्रुप हो गया है वो। यस, हम दोनों इतना मस्त है ना कि सभी लोग आपसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बवाल तो चलता रहेगा रास्ते में। फिलहाल हमने लकड़ी ओढ़ने का और क्या लिया है, हमने थोड़ा बहुत खाने पीने का लिया है, प्लेटें वगैरह लिया, ये गाड़ी में लोड कर दिया, फिर थोड़ी लकड़ी, स्पीकर, टेंट, कुर्सियाँ, वो दूसरी गाड़ी में आएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अल कुदरा लेक्स, मतलब कुदरा लेक्स प्रॉपर नहीं जाएंगे, थोड़ा इस तरफ बैठेंगे, क्योंकि हमारे में कुछ कैंपिंग प्रो लोग हैं, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा साइड में बैठो, तो हमने उनकी बात मान ली है। तो आर यू गाइस रेडी ब्रोस? हाँ, तो जाइए से हमें, आप लोग एंजॉय करो। कल भी मॉम डैड का और ये दोनों का भी कुछ लंबा प्लान है, तो हम जब कल सुबह वहाँ से आएंगे, फिर ये लोग एक और इवेंट में शायद जाएंगे, 90% अभी तक फिक्स हुआ है, तो कोई बात नहीं, अभी तो निकलते हैं। बाय बाय। तो ट्रैफिक तो देखिए, इतना सारा ट्रैफिक। अच्छा, वो यू टर्न ले रहे वहाँ से। यस, इतना सारा ट्रैफिक क्यों है? हम लोग को भी ये पेट्रोल पंप पे काम था, लेकिन अभी इन्होंने दे, अभी देख खुल गया। ओ वाओ, दो सौ ग्राम वो थोड़ी देर का वो डाइवर्जन के लिए पूरा सामने देख, सब कैंपिंग में आ गए अभी से। ओ देखिए दोस्तों, मतलब लोग दूर दूर से इधर अजमान में कैंप करने आते हैं, तो हम अजमान में रहते हैं तो हम दूर दूर कैंप करने जाते हैं। पहुंच गए कुदरा डेजर्ट पे और हमने थोड़ा सा सेटअप किया है। Yes. वो कैसे किया है वो आपको दिखाते हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। Yes, दोस्तों देखिए, दोस्तों सबसे बड़े पहले ये जो लंबी सी लकड़ी है,
यहाँ पे एक लंबा सा आदमी भी है जो कि मेरा भाई है, वो सब सामान वो ऐसे कर रहा है। तो ये वाली जो लंबी वाली लकड़ी है उससे हमने ये देखिए ऐसी हमने स्टिक्स ले है, तो वो पूरी लगाई है ऐसे। मैं दिखाती हूं दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस। हाँ ओके, देख थोड़ा हाथ बात मत तोड़ देना। तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं लकड़ी। ओके और इसके ऊपर हमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे फाड़ 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 फाड़। हाँ ऐसे रेत में आधा हमने इसको खोड़ दिया है या घुसा दिया है, क्या बोलते हैं। अगर मैं आपके सर पे ऐसे ऐसे करता आप इसमें खुद जाओगे ना। यस बट आप ऐसे करोगे? ऑफ कोर्स। बाय, यू आर बैंड फ्रॉम दिस कैंपिंग। एनीवे कमिंग बैक टू दिस, ये हमने लाइट लगाई है, ये देखिए आप पूरा ये सोलर लाइट्स है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होती है। तो वो हमने यहाँ पे ये केबल टाइज है, जिप टाइज केबल टाइज आप जो भी बोले उससे हमने ऐसे टाई किए। यहाँ पे टोटल ऐसे 10 लकड़ियाँ हैं। तो और ये देखिए यहाँ से रास्ता है, फिर भी इसको यहाँ से घुसना है। ओके एनीवे सो मस्त पूरा सेटअप ऐसे हमने सर्कल बना लिया है। यहाँ पे ऐसे चेयर्स रख दिए फिलहाल के लिए, इतना किया है। अभी टेंट वेंट है वो लगाएंगे बाद में। और सबसे मेन चीज दोस्तों, म्यूजिक के बिना लाइफ ही नहीं है। सो ये हमने लगा दिया है अचानक इटली। वाओ मजा बना। ये पूरा हमने बॉनफायर के लिए और यहाँ पे बारबेक्यू करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये लकड़ी हो गई, अभी इधर भड़का करेंगे, है ना। इधर भड़का करेंगे और फिर जैसे जैसे सुबह आएगी ना, ये चेयर जिधर है ना सब लोग इधर नजदीक आ जाएंगे। इतनी ठंड लगेगी ना बाद में। तो दोस्तों फाइनली हमने टेंट्स भी सेटअप कर लिए, यहाँ पे एक है, यस, और टोटल चार टेंट हमने लगाए हुए हैं और भी है बट वो अभी नहीं लगा रहे हैं। तो आई विल शो यू भाई इधर क्या कर रहा है। डूइंग ब्रदर भड़का देखा। ओहो वाह सरस। कोयला ना यहाँ पे निधि, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोयले को आग लगा रही है। बारबेक्यू करने के लिए ये रेडी हो रही है सगड़ी हमारी। और फिर यहाँ पे निक्की तो पता नहीं क्या ही कर रही है। ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? हाय, आई एम क्लिकिंग द फोटोज ऑफ द स्काई। स्काई पे अभी कुछ दिख नहीं रहा, आपको नहीं दिखेगा बट चलो। देन वी हैव प्री हु इज चिलिंग बिकॉज शी इज टायर्ड नाउ, तो अभी थोड़ा रेस्ट ले रही है। मैडम आप जिंदा हो? Are you sure? Yes, you will see me back as DJ Pri in a while. In 1 hour, my show starts. Okay. दोस्तों सुबह आके फिर तो एकदम ऐसे थक गए थे, तो सो गए थे, फिर काम पे गए, फिर कुछ ब्लॉगिंग हो नहीं पाया। तो अभी हम सीधा बाहर खाने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बताओ? लखन की शादी को 11 मंथ कंप्लीट हो गए। 11 साल हो गए दोस्तों शादी के, तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गए, है ना। और 11 साल नहीं हुए, 11 महीने हुए। वो पिताजी वहाँ गाड़ी में ऑलरेडी सेट है, लोग अभी इसमें बैठ जाते हैं। मैं जा और बैठने के बाद देखो मम्मी सब चली गई, तो लॉक करे से। चलो लॉक भी है, लॉक कर देते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ। वाह दोस्तों इतना दबा के खाया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बैरूती हमूस है ना, बैरूती हमूस ये लोग हर बार खाते थे, मैं कभी नहीं खाता था तो वो पुदीना की वजह से। लेकिन आज सोचा मैं चख लेता हूं, तो मैं पूरा ही वो खा गया था, मैं ही खा गया था। और हम लोग अभी घर आए हैं, देखो
ये सब लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये हंस रहे हैं क्योंकि कैमरा चालू है। सोने डेट तो आने पड़ी गए। और दोस्तों आप लोग की लाइफ कैसी जा रही है ये थोड़ा हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। और फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि मैं और 10 मिनट भी यहाँ बैठ पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी लेट जाना है। अब मम्मी शायद कुछ टीवी वीवी देखेगी क्योंकि वो नाइट राइडर्स है ना, है ना? हाँ बोलो 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 ले, खा कैमरे के सामने खाए, पूरा मुंह में डाल जा। हम इंसान है ना, दोस्तों कैसे कैसे हिम्मत करके फ्रेश हो गए सब लोग, तो एक आधा बर्थडे है तो वो ले लेते हैं फिर सो जाएंगे। भाई बर्थडे में है ना, बर्थडे बॉय है प्रतीक भाई कुवाड़िया, लेकिन ये जो कमेंट लिखा है ना बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है, जो बताया हुआ है उनकी छोटी बहन ध्रुविता बहन आहिर। लिखा कैसे है, 19 जनवरी मारा बिग ब्रदर नो हैप्पी बर्थडे छे, तेनु नाम प्रतीक डी कुवाड़िया छे, हूँ ध्रुविता एनी बेन। आप करोड़ों साल जियो, मर्सिडीज ले लो, ये सब ऐसा हमारी सबकी शुभेच्छा। फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। बाकी तुम्हें चूल्हे नहीं बताने, चूल्हे जासो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।